थोड़ा इंसल्ट का सामना भी करना पड़ रहा है जो हम वीडियो ऐसा बना रहे हैं, तो उनको बुरा नहीं बोलेंगे। चलो अपना अपना बात है, कोई बोलता तो बोलता है, हमको सुनना है तो काम ही ऐसा है अपना। तो ये पूरा पीछे में मेरा जो है हाथीबारी डैम है। नदी है दोस्तों, और यहाँ का पानी दोस्तों काफी साफ है जैसे आप देख पा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये पूरा नदी का व्यू है, और हाथीबारी का जो डैम का पानी आता है दोस्तों इसी नदी से जाता है बाहर को। तो देखिए दोस्तों कितना साफ है यहाँ का पानी। हॉल है, इस सब हॉल में पानी घुसता है अंदर, और इधर से घुसकर निकलता है इधर। तो देखिए दोस्तों देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है ये नदी। तो चलिए दोस्तों हम वे ऊपर डैम तक चलते हैं, और इधर जाने का टाइम ये काफी बड़ा है, चढ़ाई है दोस्तों जो हमको अभी पार करना पड़ेगा। तो मोबाइल का कैमरा में इतना पता नहीं चला है दोस्तों, पर ये जो चढ़ाई है ना दोस्तों काफी बड़ा चढ़ाई है, और ये सामने ही है हमारा डैम जैसे आप देख पा रहे हैं। तो ऊपर जाने का रास्ता इधर से है, अब ये कितना बड़ा बड़ा पहाड़ है। तो यहाँ पे ये पहाड़ का नाम सिमलीपाल है दोस्तों, सिमलीपाल पहाड़ है ये, और ऊपर इनका एक गेस्ट हाउस है, कंट्रोल रूम जो बोलना चाहे आप बोल सकते हैं। तो ये भी काफी बड़ा चढ़ाई है दोस्तों। तो हम लोग अभी पहुंच गए हैं ऊपर तक, और यहाँ का गेट तो बंद है, पर इसलिए हम यहाँ गाड़ी अपना पार्क कर रहे हैं। तो पहले भी आए थे तो यहीं पे गाड़ी पार्क किए थे, तो यहाँ गाड़ी रख लिए हैं, अभी चलते हैं अंदर। तो चलिए दोस्तों हम अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए गेट लगा हुआ है, हम इसका नीचे से घुस के चलेंगे। अभी हम आपको सामने का डैम का नजारा दिखा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों डैम का नजारा देखिए कैसा है। ये दोस्तों इसका कंट्रोल रूम, ये गेट जो अभी हम लोगों ने पार किए हैं, और ये सामने से देखिए दोस्तों कुछ लोग आ रहे हैं सामने से, और ये डैम का जो पुल है पुल के ऊपर हम लोग हैं, और ये सामने में अपना डैम है हाथीबारी डैम। हमको उम्मीद है आप लोगों ने सब्सक्राइब चैनल को कर लिए होंगे। छोटा सर किधर जा रहा है? मेरा पीछे ही है पूरा हाथीबारी डैम जैसे आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे ही दोस्तों देखिए, ये इसका कोई कंट्रोलर लगा हुआ है यहाँ, और उसके बगल में शायद इसका जनरेटर है या और कुछ है, और ये पता नहीं क्या चीज है, ये लोग ऑपरेट करते हैं कैसे। और यहाँ थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का इशू है दोस्तों, और नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी मेरा मोबाइल में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है। और तो क्या करें दोस्तों, नया नया ब्लॉगर हैं दुनिया पता है, तो शुरुआत में कोई सपोर्ट करता नहीं है, सब पागल ही सोचते हैं। तो अभी पीछे से हमको कोई बोल के गया है कि नेटवर्क नहीं है, तो हम वाईफाई से आपको नेटवर्क दे रहे हैं, तो क्या समझाएं दोस्तों। दुनिया का काम है कहना, और हमारा काम है सुनना, तो आप चलता है दोस्तों लाइफ में ऐसा। तो थोड़ा इंसल्ट का सामना भी करना पड़ रहा है जो हम वीडियो ऐसा बना रहे हैं, तो उनको बुरा नहीं बोलेंगे। चलो अपना अपना बात है, कोई बोलता तो बोलता है, हमको सुनना है तो काम ही ऐसा है अपना। तो ये पूरा पीछे में मेरा जो है हाथीबारी डैम है। तो अभी हम सामने से आपको वीडियो दिखा रहे हैं। ये दोस्तों देखिए फिर से डैम है, और ये सब उसका गेट है दोस्तों, देखिए एक दो ये तीन नंबर गेट है। तो ये खुला हुआ है देखिए, काफी रिस्क है दोस्तों, मोबाइल को हम पकड़े हुए हैं कि मोबाइल गिर ना जाए। तो ये सभी इसका गेट है, और इसका जो कंक्रीट एरिया था दोस्तों
इधर तक ही था। इसके बाद ये मुरुम रोड है, तो ये भी जो डैम है इसका लंबाई कम से कम 1 किलोमीटर, 1 से 1.5 किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों। सही से तो हमको पता नहीं है, फिर भी लग रहा है कि 1.5 किलोमीटर के आसपास हो जाएगा, पर पता नहीं वो लोग उधर कैसे गए। हम भी कोशिश कर रहे हैं उधर जाने के लिए, तो हमको रास्ता तो नहीं मिल रहा है दोस्तों, कैसे जाएं उधर। हम यहाँ से कूद लिए हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं हम नीचे तक आ गए हैं। पूरा ये पूरा नीचे का नज़ारा है यहाँ का, तो यहाँ पत्थर के ऊपर हम चल रहे हैं, तो काफ़ी रिस्क भी लग रहा है यहाँ नीचे तक आने में, क्योंकि गिर विर जाए तो फिर दिक्कत होगा। तो फिर भी आपके लिए हम आ गए हैं दोस्तों पूरा नीचे तक। तो देखिए दोस्तों, ये पूरा पानी के पास हम पहुंच गए हैं, और पानी कितना साफ है दोस्तों देखिए, मतलब पूरा नीचे का नज़ारा दिख रहा है, कितना खूबसूरत दिख रहा है। मतलब यहाँ मछली वछली है कोई सांप जैसे, पता नहीं कुछ होंगे, तो इसके बारे में हमको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो काफ़ी साफ पानी है दोस्तों यहाँ का, और पानी सही है दोस्तों, मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं, ज़्यादा ठंडा नहीं। मौसम ठंडा का है पर पानी उतना ठंडा नहीं है अभी, क्योंकि अभी तो फरवरी का महीना चालू हो गया है, तो उस वजह से। तो मेरे पीछे आप जैसे भी देख पा रहे हैं दोस्तों, पूरा एरिया है पूरा हाथीबारी डैम का ही नज़ारा है दोस्तों यहाँ का। ये जो पत्थर है, पता नहीं है क्यों ये लोग उठा उठा कर रखे हैं, मतलब जितना भी पत्थर है वो सब नीचे तरफ है, और कुछ कुछ पत्थर हैं जो ऊपर उठा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप से है काफ़ी सारा पत्थर, नीचे से देखने से आपको पता चलेगा। देखिए ऐसा कुछ पत्थर नीचे हैं, कुछ ऊपर रहते हैं, और पूरा एरिया ऐसा ही है दोस्तों। ये क्यों दिया जाता है इसके बारे में हमको ज़्यादा नॉलेज नहीं है दोस्तों, ये सब क्यों ऐसा उठा हुआ है इतना सारा पत्थर। शायद कोई गिर जाए तो उठने में उसको सुविधा होगा कि क्या होगा दोस्तों, उस वजह से ऐसे ये सब दिए हुए हैं। कि जो भी है, दिखने में भी एक साइड से काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अभी दोस्तों हमें दिक्कत इस चीज़ का लग रहा है कि ऊपर चढ़ना, क्योंकि आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों इतना ऊपर हम कैसे चढ़े हैं, मतलब काफ़ी बड़ा चढ़ाई लग रहा है दोस्तों। क्योंकि हम आपको सामने का दीवार दिखा रहे हैं दोस्तों, कितना हाइट का है, और हम कितना हाइट से कूद के आए हैं अभी पानी के पास। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये सामने का दीवार है मेरा, और कितना हाइट में है अभी बैक कैमरा से अच्छे से पता नहीं चल रहा है जमीन में कितना ऊपर के है, फ्रंट कैमरा में आप दिखा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो दीवार का हाइट है लगभग मेरे गर्दन के आसपास होगा। सही से देखिए, मतलब इतना हाइट हम कूद के आए हैं नीचे से देखिए। तो चलिए दोस्तों, और आगे का नज़ारा दिखाते हैं, और बैक साइड में जो है उसका नज़ारा हम दिखाते हैं, और जो पानी का गेट में कैसे निकल रहा है पानी। तो आप सभी तो पीछे का नज़ारा देख लिए उस साइड का, अभी इस साइड का आइए दिखाते हैं। जल्दी जल्दी वीडियो का ख़त्म कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि रात होने वाला है। तो यहाँ भी सेम हमको वहाँ उस टाइप से कूद के जाना पड़ेगा। तो अभी मैं दोस्तों इस दीवार को कूद के आया हूँ, अभी चलते हैं नीचे, तो नीचे से देखेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि रात हो जा रहे हैं, सभी यहाँ से निकल के जा रहे हैं दोस्तों। तो हम भी निकल के जल्दी से चल जाएंगे, और एक मुसीबत का सामना करना पड़ा है दोस्तों। देखिए यहाँ भी ताला लगाना हुआ है, तो कोई भी एक भी इंसान नहीं है, और इधर ताला भी लगा हुआ है, और थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी होने वाला है। क्या करें दोस्तों, फिर भी चलते हैं दोस्तों, देखेंगे जो होगा। और नीचे में दो मुसीबत, एक उधर और इधर एक नीचे, दो मधुमक्खी का जो भी है घर है, क्या बोलते हैं हिंदी में हमको सही से पता नहीं है। चलिए दोस्तों इसको कूद के चलते हैं। यार लगता है रे बाबा, तो दोस्तों इसको हम पार कर लिए, और अभी नीचे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों,
दोस्तों हम आ गए हैं और सीसीटीवी भी इधर लगा हुआ है। देखिए दो मधुमक्खी का बच्चा है, यहाँ एक टूटा हुआ है और एक उधर है, दो हैं। तो दोस्तों पहले भी इस मोड़ से हम आपको दिखाए थे, ये गेट हमारा अभी भी बंद है और अभी रवाना हो रहे हैं दूसरा गेट के लिए। तो चलिए दोस्तों एवरीवन, हमारा सेकंड गेट भी आज भी बंद है और अभी जा रहे हैं थर्ड गेट को। तो चलिए, तो दोस्तों हमारा थर्ड गेट उस दिन भी खुला था, आज भी खुला हुआ है। देखिए नीचे से कैसे पानी निकल रहा है दोस्तों, थर्ड गेट से पानी निकल रहा है। और फोर्थ गेट में देख लेते हैं, फोर्थ गेट, और दोस्तों फोर्थ गेट आज भी बंद है। पहले जैसा एक बूंद बूंद पानी निकल रहा था, आज भी थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, रात में सही से पता नहीं चल रहा है दोस्तों। अभी जा रहे हैं फिफ्थ गेट को। तो चलिए, ये दोस्तों हमारा फिफ्थ गेट है, ये गेट दोस्तों हमारा फिफ्थ गेट है, ये अभी ख़त्म हो रहा है इधर। तो यहाँ से जैसे कूद के आए थे दोस्तों, ऐसे ही कूद के चल जा रहे हैं। अभी इसको कूद के एग्जिट करना पड़ेगा, तो इसको एग्जिट कर लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली इसको कूद के हम नीचे आ गए हैं, पीछे मेरा सब गेट है और ये सब हम आपको अभी तक दिखा चुके हैं और अभी जा रहे हैं नीचे। और थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो आज भी आप लोग इधर तक देखने के लिए, और उम्मीद है आप सभी ने सब्सक्राइब कर दिए होंगे। तो रहते हैं दोस्तों, टाटा बाय बाय, बस दुआओं में याद रखना दोस्तों।